निवेदन करूंगा जगमोहन जी से, वो हमें आदेश करे हमें आगे अब क्या करना है। इसलिए भारत माता की जय। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारत माता की जय। सभी साथियों को और जो इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, जिला पदाधिकारियों के साथ, मोर्चों के अध्यक्ष उनके साथ, और जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग स्वयं अपनी प्रेरणा से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये अभी लड़ाई शुरू हुई है, आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी एम्बुलेंस को निकलने देंगे, ये पीछे से एम्बुलेंस निकलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, हम एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे। रास्ता छोड़ दे, एम्बुलेंस को निकलने दे। भारतीय जनता पार्टी जिला का एक एक पदाधिकारी इस मंच से जिनका नाम नहीं पहुंचा है, नाम नहीं पुकारा गया है, सुबह 8:30 बजे से आप लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन, किसी भी क्षेत्रवासी को और समस्या ना हो, हम पब्लिक को समस्या ना हो, पुलिस के हमारे सभी सहयोगी को धन्यवाद, सांसद जी ने किया है उनका भी सहयोग, प्रेस वाले जो सुबह से हमारे भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने प्रेस का भी सहयोग लेकर, और जो समस्या हमारी माताएं बहने ढोल और नगाड़े लेकर यहाँ पहुंची थी, किस तरह से उन्होंने गीत के रूप में केजरीवाल को समझाने का प्रयास किया, अगर अभी भी वो नहीं समझेंगे तो उनके दिल यहाँ से लग चुके हैं। जिन राज्यों में वो घूमते हैं वही घूमते रह जाएंगे, दिल्ली के लोग भी जिन्होंने उनको वोट दी थी वो ढूंढते रह जाएंगे। सभी दिल्लीवासी, ये गुस्सा, ये आक्रोश आपके अंदर होना चाहिए, ये जो लाखों कार्यकर्ता नेता के रूप में बदलने वाले हजारों कार्यकर्ता अपने गली मोहल्लों में, जैसे अभी नेताजी ने बताया, पर भात फेरी निकाल कर, कोई शनि बाजार सोमवार बाजार निकल है वहां पर, तो उसमें पर भात शाम फेरी निकाल कर उनके बीच में से निकल कर लोगों को जागरूक करेंगे, 10-10, 15-15 लोगों को बैठा के ये बात बताएंगे कि केजरीवाल आपके मोहल्ले में शराब की दुकान खोल रहे हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए, इसमें एमसीडी और दिल्ली पुलिस की परमिशन खत्म कर दी केजरीवाल ने, और नॉर्थ राइज कॉलोनी में भी शराब की दुकान खोलने वाला है। तो ये जो विरोध आप सभी ने किया है, आप जिले के सभी कार्यकर्ता, हमारे दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रमेश मिधुड़ी जी, हमारे सभी निगम पार्षद, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिला के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, प्रदेश की टीम के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सभी जो हमारे कार्यकर्ताओं के बुलावे पर, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के बुलावे पर यहाँ चौधरी दयाराम चौक, जो ऐतिहासिक चौक है इस छतरपुर का, इससे संकल्प लेकर जाते हैं, जब तक शराब को दिल्ली से बंद नहीं करवा देंगे, दुकानों को बंद नहीं करवा देंगे, अब शांति से नहीं बैठेंगे। मोदी जी ने कहा है ना, ना पिएंगे और ना पीना देंगे। मोदी जी ने कहा है ना, खाएंगे और ना खाने देंगे। दिल्ली के लोग ना दारू पिएंगे और ना पीएंगे। क्या हुआ अभी कुछ दिन, कुछ पूर्व एक घंटा पूर्व मुख में फंस गया था यहाँ पर विधायक कमलकांत सिंह तोमर, मैंने कहा जाओ भाई साहब, आ जाओ एक बार देख लो, तो भगा के उधर काटी भक्के ले गया, नहीं तो यही पकड़ लेते। सभी साथी अपने गली मोहल्ले में जाकर अपने वार्डों में जैसे प्रदर्शन यहाँ हुए हैं, सांसद जी आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, अपने गली मोहल्लों में ऐसे ही प्रदर्शन कर लोगों को बैठा कर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का धोखेबाज है, बुजुर्गों को कहता चलो इधर और युवाओं को कहता चलो ठेके। बुजुर्गों को कहता चलो इधर, और अयोध्या भी जो आपने बनाई है, पहले कहता था राम मंदिर कॉलेज बना देना वहाँ, क्या जरूरत है राम मंदिर की, अब बन गया तो कह रहा है बुजुर्ग चलो अयोध्या और युवा चलो ठेके। सर सर, इससे दिल्ली देहात में तो कमर्शियल लैंड नहीं है, फिर ये ठेके क्यों खोले जा रहे हैं वहाँ?
वो सांसद जी जवाब देंगे जी। बताएंगे वो तो उसने एमसीडी और दिल्ली पुलिस की परमिशन ही खत्म कर दी जहाँ पर इस तरह का ठेके तो कमर्शियल लैंड भी खुलेंगे सर। करवाए 20-20 दिन 25-25 दिन प्रदर्शन व्यवस्था बनाकर अपने घर जाएंगे क्योंकि मुझे पता है जो पालम और बिजवासन से कार्यकर्ता है उनकी बसें फोर्टिस हॉस्पिटल के पार ही खड़ी है जी जी। जो खानपुर से आए उनकी बसें लाडोसराय से पार ही खड़ी है। जो छतरपुर से आए छतरपुर मंदिर से परे खड़ी है। जो इधर से आए हैं तो आराम से ही जाएंगे और इस बात को चर्चा करते हुए अपने गली मोहल्लों में और सभी को बताएंगे कि आज हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे और किस लिए गए थे। सभी अपने बारे में और इस बार पार्टी ने जो हमारा कार्यक्रम रखा है इसके बारे में बताएंगे। तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री धोखेबाज है इसकी जरूर धजिया उड़ानी है और ईंट से ईंट बजानी है। तो सभी इस जयकारे के साथ